इंतखाबात की ट्रेन चल पड़ी। गवर्नर KPK ने इलेक्शन कमीशन को सूबाई असेंबली के इंतखाबात के लिए 16 अप्रैल की तारीख दे दी। गवर्नर ऑफिस से लिखे गए खत में इंतखाबात के लिए 16, 17 या 18 अप्रैल की तारीख तजवीज़ की गई है। साथ ही इलेक्शन कमीशन को शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने की भी हिदायत की गई है। इलेक्शन कमीशन को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का खत मौसूल हो गया। ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सूबों में इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक आज अहम इजलास भी बुला लिया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन आइंदा चंद दिनों में शेड्यूल जारी कर देगा। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को सूबाई इंतखाबात की तैयारियों के लिए 54 दिन दरकार होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक गवर्नर पंजाब की जानिब से ताहाल सूबे में इंतखाबात की तारीख तजवीज़ नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक को हतमी शक्ल देने से मुतालिक सियासी जमातों का जुमरात को तलब करदा इजलास मुलतवी कर दिया। इस हवाले से सियासी जमातों को आगाह कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक मुशावरती इजलास बाद में बुलाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और KPK निगरान वज़ीर आला को ख़त लिखा है। चीफ सेक्रेटरीज और IGs को भी खतूत अरसाल किए गए हैं, जिनमें सूबों के अंदर तबादले और तकरारियां जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। इलेक्शन कमीशन के ख़त में लिखा गया है कि जल्द इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया जाएगा, जिसके बाद हर किस्म की तकरार तबादलों पर पाबंदी लगा दी जाएगी।